थैंक यू सर। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने समस्त अप्लाइंस का और हमारे सबके प्रिय ललित सर का, हमारे ग्रेट मेंटोर यश हाके सर का और हम सबके चहेते हमारे कंपनी के सीईओ फाउंडर मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट सर का। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस ईश्वर का जिसने हमें ये इंटेलिजेंस दी जिसका उपयोग करके हर इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के कार्य में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, शुरू करते हैं अल्टीमा प्रेजेंटेशन को। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं एक आपको ऐसी जानकारी यहां से दूंगा जिसके जरिए अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं और अगर आप उसका उपयोग कर पाए तो आप अपने लाइफ में अपने सपनों को तो जी ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने समाज के उन साथियों के जीवन को भी आप ऊंचा उठा सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा है कि क्यों न उनकी लाइफ के ऊपर भी काम किया जाए और क्यों न समाज के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, उसमें भी आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं डिस्क्लेमर की। तो डिस्क्लेमर में यहां पर बताई जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल, कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट या लीगल ऑफर नहीं है। इसे यूज करने या न करने का डिसीजन हमारा अपना होता है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाला कोई भी लॉस या प्रॉफिट हमारा अपना होता है। हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप इस विषय पर तभी निर्णय लें जब आप ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज और इस तरह की जो भी प्रोफेशनल जानकारी है उन सब की आपको नॉलेज हो, तभी आप इस फील्ड में कोई भी इनिशिएटिव लें। बात करते हैं विश्व स्तर की। तो पूरे विश्व में तीन सवाल आते हैं जब भी हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तो सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारा आर्थिक स्थिति, हमारी आर्थिक तंत्र। तो मैं बात कर रहा हूँ किस तरह से आप पैसे को अर्न कर सकें, किस तरह से आप पैसे को बचा सकें, और जब आपने अर्न किया और बचाया उसके बाद किस तरह से आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने पर काम कर सकें। तो ये तीनों ही माध्यम आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझ आएंगे कि जिस चीज की जानकारी यहां पर दी जा रही है उस चीज को अगर आप समझें तो ये तीनों ही सवाल, इन तीनों ही सवालों के आंसर आप यहां से ले सकेंगे। बात करते हैं फ्यूचर ऑफ मनी की। तो जैसा कि मैं शुरुआत से आपको बताता हूं कि शुरुआत हुई 6000 BC में। लगभग उस वक्त सामान के बदले सामान हम लिया करते थे, अपने जरूरत की चीजों को पूरा किया करते थे। उसके बाद बिफोर क्राइस्ट 7वीं शताब्दी में सिक्कों का प्रचलन हुआ, सिक्के अस्तित्व में आए, सामान का आदान प्रदान हम सिक्कों के बदले करने लगे। उसके बाद 7वीं शताब्दी में बैंक नोट्स हमारे अस्तित्व में आते हैं और 1659 में सबसे पहले चेक आया जो कि आज भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। 1958 में हमारे प्लास्टिक कार्ड आए, यानी प्लास्टिक मनी जिसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीजों से आप बुलाते हैं। उसके बाद 1980 में हमारे बीच इंट्रोड्यूस हुई ऑनलाइन बैंकिंग जिसने हमारे लेन देन के व्यापार को और सुगम कर दिया, हमारी आर्थिक तंत्र को और मजबूती दी। उसके बाद इससे भी एडवांसमेंट हमारे बीच आया 1997 में, पहली बार जब मोबाइल के ऊपर, मोबाइल के द्वारा ही मोबाइल पेमेंट्स होने लगा, UPI, गूगल पे, फोन पे, इस तरह की चीजें आप करते हैं। लेकिन जो जर्नी 6000 BC से शुरू हुई और 1997 तक आते आते उसमें जो जो मॉडिफिकेशंस होते रहे उसने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को सुगमता प्रदान की, हमारी लाइफ आसान हो गई। लेकिन फिर भी कुछ कमियां थी जिनको दूर करने के लिए एक और एडवांसमेंट लिया गया जिसका नाम है डिजिटल करेंसी। मैं बात करूं अगर मोबाइल पेमेंट्स की तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पर डे की ट्रांजेक्शंस का बाउंडेशन होता है। अगर UPI की बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स, और इसको आप किसी देश की सीमा के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर भी ये वर्क करता है। यानी कि अगर मुझे पूरी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में किसी को मनी ट्रांसफर करना है तो क्या वहां पर UPI काम करेगा? नहीं। वहां पर मुझे या तो इंटरनेट बैंकिंग का सहारा लेना पड़ेगा या फिर एक ऐसी सिस्टम का मुझे सहारा लेना पड़ेगा जो फास्ट हो, जिसकी डुप्लीकेशन फास्ट हो और उसको इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में एक्सेस किया जा सके और किसी भी विदाउट लिमिटेशंस, यानी कि विदाउट लिमिटेशंस हम उसको यूज कर सकें। दैट इज हमारी डिजिटल करेंसी।
तो ये साल 2023 हमारी डिजिटल करेंसी का वर्ष है और डिजिटल करेंसी लोगों की लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं हमारे सीबीडीसी के थ्रू, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की और ये दर्शाता है कि किस तरह से हमारी मनी का जो फ्यूचर है वो डिजिटल करेंसी। अब बात करते हैं जिस डिजिटल करेंसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, उस डिजिटल करेंसी ने क्या क्या लोगों की लाइफ में बदलाव लिए हैं और क्या उस डिजिटल करेंसी का फ्यूचर रहने वाला है उसको हम डिटेल से समझते हैं। अब बात अगर हम डिजिटल करेंसी की कर रहे हैं तो ब्लॉकचेन का जिक्र क्यों ना हो। ब्लॉकचेन ही इंटरनेट का वो सिक्योर्ड लेजर है, स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हम डिजिटल करेंसी का उपयोग कर पाते हैं और कोई भी डिजिटल करेंसी तब तक वर्क नहीं कर सकती जब तक वो एक जेन्युइन ब्लॉकचेन के ऊपर रन ना कर पाए। तो मैं बात करूं अगर ब्लॉकचेन की तो यहां पर हमारी जो ब्लॉकचेन है, हमारी जो डिजिटल करेंसी का जो ब्लॉकचेन रहने वाला है वो हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन रहने वाला है और हमारी स्मार्ट ब्लॉकचेन डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टैक के एल्गोरिदम पर कार्य करती है जिससे एवरेज 3 सेकंड में एक न्यू ब्लॉक को माइन किया जा सकता है। दिस इज द पावर ऑफ स्मार्ट ब्लॉकचेन। अगर मैं बात करूं पूरे विश्व की तो 50 से ज्यादा ऐसी ग्लोबल कंपनीज हैं जहां पर अलग अलग सेक्टर में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सरकारें कर रही हैं, अलग अलग सेक्टर उनका बखूबी इस्तेमाल कर रहा है ताकि पब्लिक की लाइफ में एक तरह से एडवांसमेंट लाया जा सके, चीजों को और बेहतर किया जा सके लोगों की लाइफ बदलने के लिए। अगर बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, सप्लाई चेन की, बैंक एंड फाइनेंस की, इंश्योरेंस, एनर्जी सेक्टर, रियल एस्टेट, ट्रेड और गवर्नमेंट की, तो आप यहां पर स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कितनी कंपनीज हैं जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रही हैं। इस वर्ष 2023 में जो पूरे कम्युनिटी का जो डेटा है, जो कंपनीज या अलग अलग ग्लोबल सेक्टर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेटा 50 मिलियन लोगों का है और ये बढ़कर 2030 में, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत बढ़ने वाली है, तो 2030 तक ये पूरी कम्युनिटी हमारी 1 बिलियन यूजर होने वाले हैं ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने के लिए। अब बात करते हैं मिशन की। जिस प्लान प्रेजेंटेशन को मैं आपको पेश कर रहा हूं उसका क्या मिशन है, हम लोग क्या आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं और किन वो क्या क्या चीजें हैं जिनको अगर आप समझें तो उससे आपकी लाइफ आसान होने वाली है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम यहां से प्राप्त करने वाले। तो मिशन है बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड डिजिटल करेंसी। जिस डिजिटल करेंसी का मैं जिक्र करने वाला हूं उसका मिशन है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली वो बने और हर किसी तक इसकी पहुंच बने। 2016 में ये प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया और 2016 से अभी तक लगभग 7 वर्ष इस कंपनी को अनुभव के तौर पर हो चुके हैं पूरी मार्केट में। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रूफ ऑफ मार्केट, ये सभी पायदान कंपनी ने इन 7 वर्षों के दरमियान लोगों की लाइफ में दिए और लोगों ने अपनी लाइफ को आसान बनाया। आज तक का अगर डेटा की बात करें तो लगभग 25 लाख लोगों का यहाँ पर पूरा डेटा है, 25 लाख लोगों की कम्युनिटी है जो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है और अपनी लाइफ को सुगम बना रही है। बात करते हैं उस महान शख्सियत की जिसने 2016 के अंदर इस प्लेटफॉर्म को स्थापित किया हम सब लोगों के लिए। मैं बात कर रहा हूँ एलेक्स राइनहार्ट सर की। उनको सर्वप्रथम नमन है कि उन्होंने विश्व में एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म दिया जिसमें बदलाव आया और लोग डिजिटल अपने जीवन में एक क्रांति करने के तौर पर पहचानने लगे। तो अगर बात करें वर्ल्ड के top 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की तो उनमें एलेक्सर का नाम आता है जो ब्लॉकचेन की जानकारी रखते हैं और किस तरह से ब्लॉकचेन एक आम आदमी के जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है। राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं ये वो सभी टॉप बिजनेस मैगजीन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल जिसको हम बोल सकते हैं, फोर्ब्स, क्रंचबेस, कॉइन स्पीकर और न्यूज बीटीसी, बिटकॉइन इनसाइडर, इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स, ये वो नाम है, कुछ चुनिंदा नाम है जिन बिजनेस मैगजीन्स ने आर्टिकल्स लिखे एलेक्सर के बारे में और उन्होंने बताया किस तरह से ये व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा इस दुनिया को बदलने के लिए ब्लॉकचेन को और डिजिटल करेंसी को हम सब के बीच लेकर आया है। अब बात करते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसको अगर हम समझें तो किस तरह से ये डिजिटल करेंसी
हमारी लाइफ को आसान बनाने वाली है। तो मैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स की बात करूंगा जो इस वक्त 25 लाख लोगों की कम्युनिटी के साथ मार्केट में आने को बेताब है। बात करते हैं अल्टीमा डेबिट कार्ड की, अल्टीमा फार्मिंग की, अल्टीमा मार्केट प्लेस, अल्टीमा क्राउड फंडिंग, अल्टीमा ट्रेवल क्लब और अल्टीमा एक्सचेंज की। तो शुरुआत करते हैं डेबिट कार्ड से। ये वो डेबिट कार्ड है जिसकी अभी अभी आपने एक वीडियो भी देखी, किस तरह से आप इन डिजिटल करेंसीज को अपलोड करते हैं इस डेबिट कार्ड के माध्यम से, और आप इस डेबिट कार्ड को अपने एक साधारण डेबिट कार्ड जिस तरह से आप अपना यूज करते हैं रुपए, अपने मास्टर कार्ड को जिस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं उस तरह से आप इस डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान ले सकते हैं। अगर डिजिटल करेंसीज की बात करते हैं कि कौन सी डिजिटल करेंसी इन डेबिट कार्ड के ऊपर अपलोड की जा सकती है, उनमें बिटकॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन इन कैश, यूएसडीटी, डॉलर, यूरो, यूएसडीसी और आपका खुद का जो डिजिटल करेंसी जिसका नाम है अल्टीमा टोकन, इसको आप इस डेबिट कार्ड पर अपलोड कर सकते हैं और अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सचेंज की। तो चूंकि आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं और आपको ये नॉलेज है कि किस तरह से इस मार्केट के ऊपर काम होता है, किस तरह से इस मार्केट में प्रोडक्ट को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है और प्रॉफिट कमाया जाता है, तो मैं समझ सकता हूं कि बखूबी रूप से आप एक्सचेंज को जानते होंगे। एक्सचेंज क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहां पर किस चीज की खरीद फरोख्त होती है। तो कंपनी का, प्लेटफॉर्म का अपना खुद का एक्सचेंज लॉन्चिंग होने को है जिस पर बिटकॉइन भी पेयर में रहेगा हमारे अपने डिजिटल टोकन के साथ, इथेरियम का भी पेयर होगा, बिटकॉइन इन कैश, यूएसडीटी, यूएसडीसी और इस तरह से एंड मैनी मोर। यानी कि आज जो विश्व भर में लगभग 22,500 क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्रिप्टो टोकन्स हैं, उन सभी का पेयर हमारे एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा हमारी अपनी डिजिटल टोकन के साथ। अब बात करते हैं कॉपी ट्रेडिंग की। ये इस वर्ष के अंत में लॉन्च होने वाला है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एक मास्टर ट्रेडर के जरिए हम अलग अलग स्ट्रेटेजी को अपनाकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। इसमें बाकायदा आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है मास्टर ट्रेडर के द्वारा, जिसमें आप अपने कमीशंस को जनरेट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगले इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट की हम बात करते हैं जिसका नाम है ट्रेवल प्लेटफॉर्म, जो कि अभी डेबिट कार्ड के बाद शुरू होने वाला है। इसमें होटल्स जो पूरे वर्ल्ड वाइड में है, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा होटल हैं, और फ्लाइट्स और कार 1,000 से ज्यादा, उनके साथ ये कंपनी का पोर्टल के साथ टाई अप हो गया है, जिसमें हम अपने ट्रेवल प्लेटफॉर्म के जरिए अगर कोई भी व्यक्ति अपनी होटल्स, फ्लाइट्स, रेंटल कार, वेकेशंस को बुक करता है और वो अपने इस अल्टीमा टोकन को इस्तेमाल करता है, तो उसको लगभग 90% तक का डिस्काउंट भी वो ले सकता है, और इन सभी फैसिलिटीज का वो अल्टीमा ट्रेवल क्लब के माध्यम से ट्रेवल प्लेटफॉर्म पर जाकर उपयोग कर सकता है। अगले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि है वाउचर्स, जो कि अभी हाल फिलहाल में कंपनी के द्वारा पूरी तरह से कार्य में है और इस पर कम्युनिटी पूरा इसका भी मेंबर, कार प्रोग्राम की, गैस की और इस तरह से अलग अलग चीजों के, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग वाउचर हैं, जैसा कि एजुकेशन सेक्टर, ग्रीन फील्ड, कार प्रोग्राम, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, इन सभी के लिए कंपनी के वाउचर्स हैं जिस पर आपको कैशबैक प्रोग्राम के जरिए आप अपने इस अल्टीमा टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। फर्दर डिटेलिंग के लिए आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी है तो आप कंपनी के पोर्टल पर जा सकते हैं और वहां पर इस पूरी जानकारी को ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्टीमा इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रीजिंग गेम्स की, जिसमें हम अगर अपने अल्टीमा टोकन को फ्रीज करते हैं तो हमें कोई भी हाई एंड प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं वहां पर, तो उस पर हमको 90% तक का छूट हमको प्राप्त हो सकती है। फ्रीजिंग गेम्स हो गया या कोई भी क्रिप्टो गेम हुआ, उस पर हम अपने अल्टीमा टोकन माल से कोई भी गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और गिफ्ट कार्ड्स, इन सभी को हम जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में अमेजोन के थ्रू हम बाय करते हैं, उसी तरह से अल्टीमा स्टोर पे जाके हम मार्केट प्लेस से चीजों को बुक कर सकते हैं और अपने लिए खरीद सकते हैं। यानी कि कोई भी गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज हमको बाय या सेल करना है तो हम इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं और आसानी से चीजों को अपने लिए खरीद पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अल्टीमा टोकन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट की, जो कि प्राइवेट एड्स है।
कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई डीलिंग या क्रिप्टो का एडवर्टीजमेंट है, उसमें हमारा प्लेटिन डील पोर्टल के ऊपर अपने अल्टीमा टोकन का इस्तेमाल करके हम कोई भी प्राइवेट एड्स जैसी सर्विसेज, जॉब्स, रियल एस्टेट बिजनेस, पर्सनल या केयर ऑफ सेल या कोई सर्विस है, उस तरह की चीजों को हम उपयोग कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अल्टीमा टोकन। दिस इज ऑल्सो द अल्टीमा इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पार्ट है हमारा। बात करें स्टार्टअप की, क्राउड फंडिंग की, जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट, बिजनेस, इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजी, इन सभी को अगर हमें बूस्टअप करना है, इन सभी को सपोर्ट करना है ग्लोबल क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके, तो हम प्लैटिन हीरो पोर्टल के माध्यम से अल्टीमा टोकन का उपयोग करते हुए इन सभी चीजों को सपोर्ट कर सकेंगे। चैरिटी, ये भी क्राउड फंडिंग का, अल्टीमा क्राउड फंडिंग का ये एक पार्ट है। प्लैटिन हीरो पोर्टल पर ही आपको मिलेगा, और इसमें भी कोई नीड्स में है, विश किसी को करना है, किसी को अर्जेंसी है, या किसी के सपनों के लिए आपको योगदान करना है, तो आप अपने अल्टीमा टोकन का उपयोग कर सकेंगे। प्राइस ड्रॉ की बात करें, कार, गैजेट, कंप्यूटर्स, वेकेशंस, इन सभी में एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, जिसमें आप प्राइज भी ड्रॉ के जरिए जीत पाएंगे प्लैटिन हीरो प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें आपका इस्तेमाल होने वाला है अल्टीमा टोकन। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है। लास्ट बात हम बात करते हैं ज्वेलरी की, ये भी इस वर्ष के अंत में प्लैटिन डील पोर्टल पर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी ज्वेलरी या जेम्स आपको खरीदना है, तो विद द हेल्प ऑफ अल्टीमा टोकन आप इसको बाय कर सकेंगे, और अपने लिए जो भी आपके आपको जरूरत है किसी भी ज्वेलरी की, जेम्स की, उसको आप आराम से बाय कर सकते हैं प्लैटिन डील पोर्टल पर। तो ये वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट थे। गेमिंग की मैंने आपसे जिक्र किया, जिसमें आप अपने इस अल्टीमा टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी डिजिटल करेंसी या कोई भी डिजिटल टोकन वो तभी तक विश्व में सफल हो पाता है जब तक उसका धरातल पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, किस तरह से कंपनी के द्वारा एक बिग इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, जिसके जरिए आप अपने इस डिजिटल टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बात करते हैं टोकन की इनिशियल सप्लाई की, तो मात्र 25 लाख लोगों के बीच में 20,000 टोकन ही मार्केट में दिए गए। और मैक्सिमम सप्लाई की बात करें, तो जब तक इसकी फार्मिंग होगी तब तक मार्केट के अंदर 1,10,00,000 टोकन ही मार्केट में मेंटेन सर्कुलेशन में रखे जाएंगे। ब्लॉकचेन की बात की, ब्लॉकचेन के पावर की मैंने आपको बात की, तो ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, और स्मार्ट ब्लॉकचेन पर ही अल्टीमा टोकन हमारा काम कर रहा है। और डिमांड एंड लिक्विडिटी की बात करें, तो 100% पहले ही दिन से आप इसकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, एनी टाइम उसको बाय कर सकते हैं, एनी टाइम सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टोकन प्रोडक्शन के लिए वो कौन सी कम्युनिटी है, वो क्या स्किल्स आपको लगने वाले हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। फास्ट एंड ईजी टू यूज, हर व्यक्ति के लिए इसमें आसानी है, हर व्यक्ति इसको सीख सकता है और हर व्यक्ति इसका यूज कर सकता है, इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स की आपको आवश्यकता नहीं रहने वाली है। मैक्सिमम सिक्योरिटी है, जो भी आपका डिजिटल टोकन यहाँ पर रहने वाला है, जो भी अकाउंट आपका यहाँ पर ऐड होने वाला है, उसमें आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी और फुल्ली ऑटोमेशन के साथ। फास्ट डुप्लीकेशन है, यानी कि हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच है, हर व्यक्ति जो एजुकेटेड है या जो सीखना चाहता है स्टूडेंट की लाइफ की तरह से, और जो अपने को अपडेशंस में रखना चाहता है, उसके लिए पूरी तरह से ओपन है और इसका उपयोग वह व्यक्ति कर सकता है। अब बात करते हैं, जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो किस तरह से मैक्सिमम यूजर्स जब हमारे साथ आएंगे, मैक्सिमम कम्युनिटी ऑफ पीपल हमारे साथ कनेक्ट होंगे, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन भी तो होगा, और उस मैक्सिमम प्रोडक्शन में मार्केट के अंदर ओवर सप्लाई ना हो पाए, टोकन ओवर सप्लाई में ना चले जाएं, और उन टोकन को जब हम मार्केट में सेल करें तो मार्केट में ओवर बर्डन ना हो, मार्केट हमारी रेड जोन को प्रदर्शित ना करे, तो उसके लिए कंपनी ने यहां पर मिंटिंग स्पीड, मैक्स लोड, टोकन बर्निंग, टोकन फ्रीजिंग और 1% ए डे पे आउट का पूरा एक सिनेरियो रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट रखा है। बात करते हैं मिंटिंग स्पीड की, तो मिंटिंग स्पीड में जो टोकन प्रोडक्शन होता है, ये उसका रेशियो होता है कि जो व्यक्ति पहले आएगा वह ज्यादा पाएगा, और जो व्यक्ति बाद में आएगा वो भी उस मिंटिंग स्पीड के माध्यम से अपने कॉइन को, अपने टोकन को प्रोड्यूस कर पाएगा। तो पहले साल की अगर बात करें तो यह 720% से शुरू की गई, और ये समय के साथ साथ
हर महीने हर 15 दिन में इसका मिंटिंग फैक्टर रिड्यूस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले आएगा, जो व्यक्ति बाद में कनेक्ट होगा, वह उसी हिसाब से उसी प्रपोर्शन में उतना ही कम टोकन को प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ये वो फैक्टर रहने वाला है जो मार्केट में ओवर सप्लाई को रोकेगा। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं जो कि मैक्स लोड है। जो भी टोकन आप प्रोड्यूस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फार्म, यहाँ पर आप अल्टीमा टोकन की फार्मिंग करते हैं, तो इसलिए जो फार्म आप परचेज करते हैं उसका मैक्स लोड टोकन के प्राइस के अनुरूप समय के साथ धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। जैसे जैसे आपके टोकन का प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके अल्टीमा फार्म का जो मैक्स लोड है वो कम होता चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं समय के साथ साथ जैसे जैसे टोकन प्राइस में ग्रोथ होगी, वैसे वैसे आने वाली कम्युनिटी भी हमारे कम से कम टोकन को प्रोड्यूस कर पाएगी। प्रॉफिट दोनों ही रेशियो में रहने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति पहले प्रोड्यूस करेगा वो ज्यादा कॉइन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन प्राइस उसको उस हिसाब से मिलने वाला है। जो व्यक्ति बाद में आता है वह कम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उस वक्त उसका टोकन का प्राइस उसको अच्छा मिलेगा। तो इसलिए दोनों ही व्यक्ति प्रॉफिट में रहने वाले हैं, लेकिन मार्केट में ओवर सप्लाई ना हो, इसलिए दोनों ही फैक्टर कंपनी ने यहाँ पर दिए। बात करते हैं टोकन बर्निंग की और टोकन फ्रीजिंग की और 1% ए डे पे आउट की। तो बर्निंग कॉन्सेप्ट, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र मैंने आपसे अभी पीछे स्लाइड्स में किया, डेबिट कार्ड एक्सचेंज ट्रेवल प्लेटफॉर्म क्राउड फंडिंग मार्केट प्लेस और गेमिंग प्लेटफॉर्म, इन सब पर जितना भी टोकन कंपनी को प्राप्त होगा आपके यूज करने के बाद, वह पूरी तरह से बर्निंग वॉलेट में जाएगा। यानी कि एक ऐसा वॉलेट होता है जिसमें आने का रास्ता होता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता, इसको डेड एंड वॉलेट भी बोलते हैं। तो बर्निंग वॉलेट में आपका सारा का सारा यूज किया हुआ टोकन चला जाएगा और वो कभी भी लौटकर मार्केट में नहीं आएगा, जिससे ओवर सप्लाई कभी भी नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक फैक्टर है जो आपके ओवर सप्लाई को रोकने में मददगार साबित होगा। बात करते हैं फ्रीजिंग की। फ्रीजिंग यहाँ पर जो होगी कंपनी के द्वारा, जो भी सिनेरियो यहाँ पर रहने वाले हैं, और वो फ्रीजी पूरे 3 साल के लिए होने वाली है। यानी कि जो भी टोकन फ्रीज जोन में जाएगा, फ्रीजिंग जोन में जाएगा, वह 3 वर्ष से पहले मार्केट में नहीं आ पाएगा। तो ये भी एक बड़ा मददगार साबित हमारे लिए होने वाला है, जिससे मार्केट में ओवर सप्लाई को रोका जाएगा। तीसरी बात करेंगे हम 1% डे पे आउट की। उससे पहले एक इंडिकेटर का हम जिक्र करते हैं जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर। ये आपको प्रदर्शित करेगा अलग अलग रंगों को, 3 रंग इसमें होंगे, लाल, पीला और हरा। और जैसे जैसे जो भी रंग आपके इंडिकेटर पर शो होगा, जो भी नीडल इंडिकेटर की नीडल उसको शो करेगी, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर मार्केट में एक्शन लेना है। अगर इंडिकेटर आपको ग्रीन जोन प्रदर्शित करता है तो इसका मतलब है प्राइस मार्केट में अच्छा है और आप मार्केट में अपने पे आउट को ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर आपकी इंडिकेटर येलो जोन को प्रदर्शित करता है तो इसका मतलब आपको आपको प्रदान हुआ है। क्या मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम है? किसी की आवाज आई थी अभी? नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब मैं बात करता हूं फ्रीजिंग की। तो अगर आपका इंडिकेटर येलो जोन को प्रदर्शित करता है तो इसका मतलब ये है कि आपके टोकन का प्राइस रिड्यूस हुआ है -5%। अगर वो होता है तो इंडिकेटर आपका येलो जोन को प्रदर्शित करेगा। इसमें आपके द्वारा आपको ये आवाहित किया जाता है, आवाहन आपसे होता है कि आप मार्केट को सपोर्ट करें। इसके लिए आपके पास 7 दिन का समय होगा। जो आपका पेआउट आपको मिलेगा उसमें से 50% आपने वापस से फ्रीजिंग करना है, और फ्रीजिंग होगी तो वो पूरे 3 वर्ष के लिए होगी। अगर इंडिकेटर आपका लाल रंग को प्रदर्शित करता है, रेड जोन को शो कर रहा है, तो आपको जरूरत है मार्केट को पूरी तरह से सपोर्ट करने की, और ये तभी होगा जब आपके टोकन का प्राइस -10% होगा। यानी कि अगर 10% भी प्राइस डाउनफॉल में आता है सेलिंग की वजह से या किसी दूसरे कारण की वजह से, तो आपको अपने टोकन को जो पे आउट के लिए आपको मिला है उसको आप 100% फ्रीज करने वाले हैं, ताकि आपके टोकन का प्राइस मेंटेन्ड हो और वो वापस से अपने वापस पोजिशन पर पहुंचे, ग्रोथ पोजिशन में। अब बात करते हैं कि आपने प्रोडक्शन शुरू किया है। यहाँ पर आपने
एक अल्टीमा टोकन मैक्सलोड का फार्म बाय किया, उसके ऊपर आपने एक अल्टीमा टोकन को फ्रोजन, आपने लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, एक अल्टीमा टोकन को आपने फ्रीज किया और आपने प्रोडक्शन को शुरू कर दिया, तो आपका जो टोकन बन के आने वाला है 720% के द्वारा, ये पूरे 24 महीने का आपका मिंटिंग देगा, यानी कि आपका जो टोकन प्रोड्यूस होगा वो अगले 24 महीने तक होगा। तो 24 महीने के हिसाब से 720% के हिसाब से अगर मैं आपको पर मंथ का कैलकुलेशन दूं तो 30% आपका पर मंथ टोकन प्रोड्यूस होने वाला है, उसमें से 60% आप पे आउट ले सकते हैं और 40% ओनली फॉर अपग्रेडेशन। पे आउट का मतलब ये है कि जो 60% आपको टोकन प्राप्त होगा वो आप उसको आप पर डे के हिसाब से 1% a day, यानी कि उसको आपने हर दिन माइन करना है और केवल 1% ही आप उसको माइन कर पाएंगे। और जो 40% ओनली फॉर अपग्रेडेशन था, उससे आप अपने अल्टीमा फार्म को, अपने अल्टीमा मिंटर के मैक्स लोड को आप इंक्रीज कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहां पर कैलकुलेशंस रहने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड आपको पूरा क्लियर विजन देगी। आपने एक अल्टीमा टोकन को फ्रीज किया, प्रोडक्शन को शुरू किया, पर मंथ 30% आपको टोकन बन के आने वाला है, यानी कि एक अल्टीमा टोकन का 30% होता है 0.3। अब 0.3 के दो पार्ट आपको प्राप्त होंगे, पहला 60% के रूप में और दूसरा ओनली 40% ओनली फॉर अपग्रेडेशन के लिए। तो 60% पे आउट की अगर बात करें, 0.3 का 60% अगर हम देखें तो 0.18 अल्टीमा आपको पे आउट के लिए प्राप्त होगा, और अगर 40% हम देखें 0.3 का तो वो 0.12 अल्टीमा आपको प्राप्त होगा ओनली फॉर अपग्रेडेशन ऑफ अल्टीमा मिंटर। तो जो आपका 0.18 अल्टीमा टोकन पर मंथ प्राप्त होने वाला है, ये अगले 24 महीने तक आपको एज इट इज प्राप्त होता जाएगा। वो भी कब? जब आपकी मार्केट ग्रीन जोन को प्रदर्शित करती है, तो आपको 60% पे आउट जो आपको 0.18 अल्टीमा प्राप्त हो रहा है उसमें से 1% a day पे आउट आप आराम से ले सकेंगे। अब बात करते हैं, अगर इंडिकेटर आपका येलो जोन को प्रदर्शित करता है तो आपको मार्केट को सपोर्ट करने की जरूरत है, 50% आपने टोकन वापस से फ्रीज करना है, यानी कि 0.18 अल्टीमा में से 50% हो गया 0.09 अल्टीमा, ये आपने फ्रीजिंग जोन में ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। इसके लिए आप है तो आपके पास 3 दिन का समय है, आपकी जो पे आउट आपको 0.18 अल्टीमा मिला है उसको एज इट इज 100% फ्रीजिंग इसको बोलते हैं, आपने उसको डालना ही डालना है। इसके लिए आपके पास 3 दिन का समय है। अभी जो लोग मार्केट को सपोर्ट नहीं करते, जो ना तो इंडिकेटर येलो जोन को प्रदर्शित कर रहा है या रेड जोन को प्रदर्शित कर रहा है और वो वहां पर कोई भी इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है, उनके लिए फिर क्या है? अगर आप एक भी दिन मिस करते हैं अपनी समय सीमा पूरी होने के बाद, तो आपका जो नेक्स्ट मंथ का पे आउट है वह ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा आपके फ्रीजिंग जोन में, जो कि आपको अगले आने वाले 3 साल के बाद मिलने वाला है। तो इस तरह से अगर आपने 24 दिन भी गंवा दिए और आपने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया, तो आपके आने वाली 24 मिंटिंग जो टोकन आपको प्रोड्यूस होके मिलने वाला था वह ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा और वो वहां पर जमा हो जाएगा जहां पर आपका टोकन फ्रोजन है ऑलरेडी पहले से। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, हर उस व्यक्ति की ये पूरी शिद्दत से उसको ये आवाहन किया जाता है उससे कि वो मार्केट को सपोर्ट करे और अपने आप को अपडेट रखे, और जैसे जैसे मार्केट में सिनेरियो है वैसे वैसे अपने आप को अपडेट रख के आगे बढ़ाए। अब बात करते हैं अल्टीमा प्राइस की। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी, जैसे जैसे टोकन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर के माध्यम से ग्रो करता जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगी वैल्यू टोकन की, तो वैसे वैसे टॉप 10 एक्सचेंज पर ये लिस्ट होगा, टॉप 100 कॉइन रैंकिंग में ये शुमार होने वाला है अल्टीमा टोकन। बाइनेंस लिस्टिंग की बात करें तो बाइनेंस के ऊपर टॉप 10 कॉइन रैंकिंग में ये हमारा रैंक लेने वाला है जैसे जैसे प्राइस ग्रोथ करता जाएगा। और बिग इंफ्रास्ट्रक्चर होने के नाते इसका डेली लाइफ में इतना बड़ा इस्तेमाल होने वाला, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ हम अपने अल्टीमा टोकन की अगले आने वाले 50 महीने के अंदर देख सकते हैं।
डिमांड एंड लिक्विडिटी की बात करें तो 100% पहले दिन से है, और हमारे साथ जो बिग कम्युनिटी है आज की डेटा की बात करें 25 लाख लोगों की है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर आदमी अपना पे आउट ले सकता है और कितनी बड़ी अपनी अल्टीमा टोकन की ग्रोथ को ले सकता है। इसके लिए करना क्या है आपको, आपको फार्म लाइसेंस को बाय करना है, उस फार्म लाइसेंस की कैपेसिटी के अनुसार उसके ऊपर अल्टीमा टोकन को अपलोड करना है और आपको न्यू टोकन्स प्रोड्यूस्ड करने हैं। अल्टीमा जो फार्म है उसका क्या प्राइस कॉस्ट रहने वाला है, तो लाइट पैकेज से बात करें, लाइट स्टार्टर बेसिक मीडियम प्लस प्रो प्रीमियम और अल्टीमा, तो यानी कि लाइट पैकेज की बात करें 110 यूरो से लेकर अल्टीमा पैकेज यानी कि 5,50,000 यूरो तक का आप यहां पर अब अल्टीमा मिंटर अल्टीमा फार्म बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस प्लान की, वहां पर आपके जो टोकन प्रोड्यूस होने वाला है वो महीने के अंत में आने वाला है, या जिस भी तारीख से आप प्रोडक्शन शुरू करेंगे उससे 30 दिन बाद वो आपको प्राप्त होगा, और उसको फिर आप मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से उसको आप सेल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर दिन हर घंटे हर मिनट और हर सेकंड आप यहां से पैसा बनाएं, किस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ ले पाएं, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहें, तो आप बिजनेस प्लान के ऊपर फोकस कर सकते हैं जिसमें कि 81% तक का पे आउट है। डायरेक्ट बोनस की बात करें तो पहले लेवल पर 20% आप ले सकते हैं, टीम बोनस की बात करें तो सेकेंड लेवल से 15th लेवल तक अप टू 26% आप ले सकते हैं, लीडर बोनस जो कि 10% है दूसरे लेवल से पांचवें लेवल में ये होता है, इन्फिनिटी बोनस 23% तक आप ले सकते हैं, और रैंक बोनस जो भी आप न्यू टर्नओवर क्रिएट करते हैं उसका 2% आप रैंक बोनस के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्टिवेशंस की कंडीशंस रहेंगी, ये तभी पे आउट आप ले पाएंगे जब आपकी आईडी एक्टिव होगी यानी कि आपका अकाउंट एक्टिव होगा। इसके लिए आप पर्सनल परचेज भी कर सकते हैं और पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं। डायनेमिक कंप्रेशन की बात करें किस तरह से ये डिटेल्ड में आपको प्राप्त होने वाला है, तो पहले लेवल पर आपको पता है जब हम किसी को रेफर करते हैं तो पर्सनल सेलिंग के जरिए आप पहले लेवल पर 20% तक का बोनस ले सकते हैं, दूसरे लेवल पर 7%, तीसरे से लेकर पांचवें लेवल तक 3-3-3%, और छठे लेवल से लेकर 15वें लेवल पर आप 1-1% तक का बोनस यहां पर ले सकते हैं। ये तो बात हुई डायरेक्ट और टीम बोनस की। अब बात करते हैं लीडर बोनस की, जो कि दूसरे लेवल से पांचवें लेवल तक है, और ये पूरा काउंट अगर इसको करें तो ये 10% आपका काउंट होता है। शर्त इसमें यही है कि जो भी बोनस आपको प्राप्त होंगे वो केवल जो इनएक्टिव अकाउंट्स होंगे उनके पास नहीं जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे अपलाइन को जो कि एक्टिव अकाउंट्स वहां पर रहेंगे। अब बात करते हैं लीडर बोनस की, तो मैंने बताया दूसरे लेवल पर 3%, तीसरे लेवल पर 3%, चौथे और पांचवें लेवल पर 2-2% ये रहने वाला है, और ये एक ऐसे पूल में कलेक्ट होगा जहां पर आप इसको इन कैश कर पाएंगे। कब? जब आप एक रैंक को प्राप्त करेंगे जिसका नाम है डायमंड रैंक, और जैसे जैसे आप नेक्स्ट डायमंड रैंक्स को अचीव करते जाएंगे वैसे वैसे इस लीडर बोनस को जो कि टोटल 10% है इसको आप इन कैश कर पाएंगे। अब बात करते हैं रैंक बोनस की, तो जिसमें आप एक खास तरह का टर्नओवर जब क्रिएट करते हैं, आप अपनी टीम के माध्यम से जब बिजनेस को प्रमोट करते हैं रेफरल बोन इनकम के जरिए, तो आप एक टर्नओवर क्रिएट करते हैं जिसमें आप एक खास टर्नओवर पर एक खास रैंक को प्राप्त करते हैं, और उस रैंक के मुताबिक न्यू टर्नओवर के 2% के रूप में आप रैंक बोनस को प्राप्त करते हैं। मैं बात कर रहा हूं पहली रैंक, अगर जेड रैंक की बात करूं तो 5,000 यूरो का बिजनेस अगर आप अपनी टीम के माध्यम से करते हैं विद इन मिनिमम 3 लाइंस 50%, 30% और 20% के रूप में, तो आप जो टर्नओवर क्रिएट किया है उसका 2% यानी कि 5,000 यूरो का 2% बनेगा 100 यूरो, ये 100 यूरो आप रैंक बोनस के रूप में लेंगे जेड रैंक के ऊपर। अब नेक्स्ट रैंक आती है हमारी पर्ल रैंक, जब आप अपनी टीम के माध्यम से न्यू टर्नओवर 5,000 यूरो और करते हो तो आपको नेक्स्ट रैंक अचीव होती है पर्ल, जो कि 5,000 न्यू बिजनेस है तो उस पर आपको 2% यानी कि 100 यूरो का आपको पर्ल रैंक पर रैंक बोनस प्राप्त होता है। तो इस तरह से जब न्यू आप टर्नओवर क्रिएट करते जाते हैं वैसे वैसे आप न्यू टर्नओवर के 2% के रूप में आप उस रैंक के बोनस को भी प्राप्त करते जाते हैं। अगर मैं बात करूं केवल रैंक बोनस की तो जेड रैंक से लेकर लास्ट जो कंपनी ने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर दिया है बिलियन डायमंड रैंक,
तो जेड रैंक से बिलियन डायमंड रैंक के अगर बोनस की काउंट की जाए, हम काउंट करें, कैलकुलेशन करें, तो ये लगभग 2 करोड़ यूरो तक की आप यहां से धनराशि अर्जित कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना बड़ा पैसा यहां पर रैंक बोनस के रूप में छिपा हुआ है। तो इसके लिए करना क्या है, आपने जस्ट सामने वाले को रेफर करना है और एक टीम, शानदार टीम का, एक एक्टिव टीम का निर्माण करना है और अपने सपनों को पूरा करते जाना है। अब अगले इन्फिनिटी बोनस की हम बात करते हैं, जिसका नाम है इन्फिनिटी बोनस, जिसमें आपको ये तभी प्राप्त होता है जब आप एक खास तरह की रैंक को प्राप्त करते हैं, जिसका नाम है डायमंड रैंक। और जैसे जैसे आप अगली डायमंड रैंक्स को प्राप्त करते हैं, ये बोनस आपका बढ़ता जाता है, यानी कि डायमंड पर 15% और इस तरह से ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड से होते हुए अगर आप ट्रिपल प्लेटिन डायमंड तक की रैंक को अचीव करते हैं तो 23% तक आप इन्फिनिटी बोनस को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप चूंकि डायमंड है, आपने डायमंड रैंक को अचीव किया, आपको डायमंड इन्फिनिटी 15% आना है। तो पहले लेवल पर अगर आप कनेक्ट करते हैं किसी को, आपने डायमंड बनने के बाद रेफर किया, तो आपको डायनेमिक कंप्रेशन के मुताबिक 20% वहां से बोनस मिलता है, और बिकॉज यू आर डायमंड तो 15% एड ऑन होगा, तो 35% तक आप डायमंड रैंक अचीव करने पर बोनस ले पाएंगे। इस तरह से जो व्यक्ति ट्रिपल प्लेटिन डायमंड होगा और वह किसी व्यक्ति को पहले लेवल पर कनेक्ट करता है तो 20% डायनेमिक कंप्रेशन के मुताबिक और 23% इन्फिनिटी बोनस के मुताबिक, तो टोटल वह 43% तक यहां पर बोनस क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग लेवल्स पर। और इसमें खास बात यह होती है, जब आप एक खास तरह के रैंक को अचीव करते हैं जिसका नाम है डायमंड, तो आपको अपने अनंत लेग से, अनंत डेप्थ में कहीं पर भी कोई भी आईडी अगर कोई भी व्यक्ति रेफर करता है और वह कनेक्ट होता है, तो उससे आपको डायरेक्टली अपनी रैंक के मुताबिक इन्फिनिटी बोनस आना शुरू हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं जो मेन इनकम है यहाँ पर वो रेफरल इनकम है। इसके ऊपर अगर हम सभी व्यक्ति काम करें तो हम इस एफिलिएट मार्केटिंग से इतना बड़ा पैसा बना सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी, और या जिसके लिए हमने सपने में सोचा हो कभी कि हम वह अपनी मंजिल पूरी कर पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पूरा कर पाए। तो आपको यूज करना है प्रोडक्ट को, इस बिजनेस आइडिया को रिकमेंड करना है, और आपको एक रैंक अचीव करनी है जिसका नाम है डायमंड, और अलग अलग डायमंड वेरिएशन से होते हुए आपको कंपनी की टॉप रैंक पर आपको पहुंचना है। एक बार अंत में मैं आपको इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को याद दिलाना चाहता हूं, जिस अल्टीमा टोकन के आप साथ आप काम करने वाले हैं उसका क्या भविष्य रहने वाला है, आप इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं। ये वो सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं जहां पर आपके इस अल्टीमा टोकन का इस्तेमाल होने वाला है, और आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होता है तो उस डिजिटल करेंसी का प्राइस कहां पे जाता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच विक्रांत सर, और बहुत ही शानदार और डीपली नॉलेज दिया है आज आपने अल्टीमा प्रेजेंटेशन के लिए। आई होप कि ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स को, जो भी यहाँ पे 352 लोग है, तो उन सभी को ये प्रेजेंटेशन बहुत ही डीपली समझ आया होगा कि कैसे हम अल्टीमा टोकन को प्रोड्यूस कर सकेंगे और इस अल्टीमा टोकन को हम मार्केट के अंदर, अल्टीमा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैसे यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे पास विश्व का एक बहुत बेहतरीन टूल्स, एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, जो है अल्टीमा मिंटर्स, जो कि हमारे पास पिछले 15-20 दिनों से हमारे डैशबोर्ड पे है, और अल्टीमा फार्मिंग यूनिट भी हमारे पास पिछले 10 दिन से हमारे डैशबोर्ड पे दिख रहे हैं। जितना हमारा पॉकेट हमें गवाही देता है उससे हम हमारा अल्टीमा फार्मिंग यूनिट और अल्टीमा फार्म लाइसेंस बाय करें और नए अल्टीमा टोकन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमारे बीच में कई सारे लीडर्स हैं जिन्हें हम लीडर्स कॉल करेंगे और उनसे इस कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा मैसेज और कुछ अच्छा नॉलेज यहाँ से हम गेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच में है मिस्टर भरत सोनी सर, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनम्यूट हो और इस कम्युनिटी को एक शानदार एक्टिव इनकम कैसे ले सकते हैं उसके बारे में कुछ नॉलेज दे। थैंक यू गौरव भाई।
थैंक यू सर। विक्रांत जी का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत एकदम बढ़िया है। किसी भी नए इंसान को और पुराने पार्टनर्स को वो एकदम समझ में आता है और विजन क्लियर हो सकता है। इस सिस्टम में आने के लिए सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन के लिए लर्निंग। तो हम पहले क्या होते थे, हम अवेलेबल हो जाते थे, एनी टाइम अवेलेबल। अब हमें वैल्यूबल बनना है, हमें अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। तो वैल्यू क्रिएट कहाँ से होगी? लर्निंग से, और लर्निंग आएगी एजुकेशन से। तो इसके लिए मैंने कुछ लाइन बनाई है, शायद सबको हेल्प हो सके। तो किसी भी बिजनेस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस एक ऐसी बात होती है, बिना सक्सेस कोई बिजनेस होता ही नहीं। चाहे लाइफ में सोशल में भी सक्सेस चाहिए और बिजनेस में भी सक्सेस चाहिए। तो सक्सेस कहाँ से आता है? तो सक्सेस बिकम आर एफर्ट्स, हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तभी सक्सेस आएगा। तो एफर्ट्स कहाँ से? एफर्ट्स बिकम आर हैबिट्स, थॉट्स। हमारे थॉट्स सही हो गए तो एफर्ट्स सही हो गए। तो थॉट्स कहाँ से आते हैं? तो थॉट्स बिकम आर नॉलेज, अगर हमारे पास नॉलेज होगा तो सही थॉट्स आएंगे। तो नॉलेज कहाँ से? नॉलेज बिकम आर एजुकेशन, हमारे पास नॉलेज तभी आएगी जब हमारे पास एजुकेशन होगा। और एजुकेशन कहाँ से आती है? तो एजुकेशन बिकम आर लर्निंग, हम लर्निंग करना छोड़ देंगे तो एजुकेशन हमारी कंप्लीट नहीं होगी। तो लर्निंग कैसे आएगी? तो लर्निंग बिकम अ हैबिट्स, ऑल ओवर हमारी हैबिट्स से बनेगी। सही हैबिट, सही लोगों के साथ बैठना उठना, और सही हैबिट के लिए और इसी बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे सही तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी जूम वेबिनार, जूम सेशंस और कंपनी के सीईओ मिस्टर एलेक्स रेनार्ड का वेबिनार को कंप्लीटली फॉलो करना, उसके वॉइस कॉल को, मैसेज को फॉलो करना, यही सही हैबिट्स हमें सिखाता है और सही एफर्ट्स डालने का प्रयास करने के लिए हमें रास्ता दिखा, तभी हम सही सक्सेस पे को पा सकते हैं। यही मैसेज है मेरा आज के लिए। थैंक यू गौरव सर। आप म्यूट, सॉरी। थैंक यू वेरी मच भरत सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि हमें एजुकेशन हमारी लाइफ के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है और सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज एजुकेशन। तो हमारे बीच में एक और लीडर है, मिस्टर हिमांशु जी, रॉयल हिमांशु सर, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनम्यूट हो और इस कम्युनिटी को एक मैसेज दे। गुड इवनिंग सर, सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और सभी प्लेटिन पार्टनर्स को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु सुखीजा मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करता हूं और इस कॉन्सेप्ट में लगभग एक साल पहले आया था, और आज अगर बात करूं तो तब भी मुझे, जब मैं पहली बार आया था भी मुझे लगता है कि यहां पे बहुत सारे लोग नए होंगे, और मैंने भी आज बहुत सारे लोगों को कॉल करा है। तो जब मैं पहली दफा आया था इस प्रोग्राम में तो मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया था, लेकिन जब मैं इसको करना स्टार्ट करा, जैसे जब मोबाइल फोन आए थे तो बहुत सारे लोगों का ये धारणा थी कि पता नहीं इसको हम चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, तो जब ये लेकर आ गए थे तो इसके लिए हमने कहते हैं अपने आप ही सीख गए थे, और आज इतना ज्यादा कुछ जानते हैं हम मोबाइल फोन के बारे में कि अलग अलग फंक्शन को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो सेम काम हमारा यहाँ पे है कि पहली दफा में हो सकता है नए पार्टनर्स को कुछ समझ ना आए, लेकिन अगर हम डेली रेगुलरली यहाँ पर मीटिंग को अटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ एजुकेशन मिलेगी जो हमें यहाँ पे टॉप लीडर्स सिखाते हैं। और मैंने वर्किंग का अपना कुछ अभी नया तरीका बनाया है कि जैसे कि अभी हमारे ग्रेट लीडर्स बता रहे हैं कि हमें अपने सिर्फ 10 वर्किंग लोगों पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे 10 एक्टिव नए लोगों को अपने साथ लेकर के चल रहा हूँ। और जैसे कि मैंने इस कंपनी की आप सभी गुरुओं के आशीर्वाद से पर्पल डायमंड रैंक को अचीव करा है, तो मैं यहाँ पर उन 10 लोगों का विजन डायमंड रैंक को लेकर चलूंगा, और इस साल में मेरी पूरी मेहनत रहेगी कि मैं उन 10 लोगों को डायमंड तक लेके जाऊं, और साथ ही साथ जब वे लोग साथियों डायमंड बनेंगे तो उनके साथ कितनी जिंदगियों में बदलाव आएगा, इसका मुझे कितना क्रेडिट मिलेगा उनकी तरफ से, और जो मुझे ऊपर वाला देखेगा कि हाँ मैंने इनकी जिंदगी में और उनके आने वाले लोगों की जिंदगी में एक माध्यम बनाऊं कि उतना कितना बदलाव आ सके। और इसकी शुरुआत मैंने आज से कर दी है, और मैं इसमें सभी गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और साथ ही साथ विक्रांत सर जी का, उन्होंने आज जो प्रेजेंटेशन दी है
सर को सुन सुनकर ही हम आज इतने परिपक्व हुए हैं कि हम उनकी गाइडलाइन पे आज प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, क्योंकि सर के जो वर्डिंग है वो वाकई बहुत लाजवाब होते हैं, जो किसी भी नए बंदे को अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो मैं जितने भी नए पार्टनर्स हैं यहाँ पे उतना ही कहना चाहूंगा कि साथियों, जितने ने भी आपको इस मीटिंग पे लाने के लिए लिंक भेजा है, एक बार आप ध्यान से उनकी बात जरूर सुनिएगा, क्योंकि अभी आपको हो सकता है कि पहली दफा में ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप इस सिस्टम में जुड़ेंगे तो आपको आने वाली इनकम बहुत सारी आने वाली है, जो कि मैंने अचीव करी है। क्योंकि अब से एक साल पहले साथियों, मैं सब्जी बेचा करता था चार पहियों के ठेले पे, और मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही थी, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। आज मोबाइल फोन पे बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो आज हमें यही चीज समझनी है कि आज हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना है। और मैंने अपडेट करा साथियों, तो मैं सिस्टम में पिछले एक साल में गाड़ी, मकान और दो बार दुबई यात्रा भी कर चुका हूं। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं और अपनी प्यारी प्यारी ग्रो लाइन का। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। ओवर टू यू, प्लेटिन वर्ल्ड, द टाइम इज सुपर नाउ। थैंक यू वेरी मच रॉयल सर, हिमांशु सर, और आपका ये जो नया स्ट्रेटेजी है वाकई में बहुत शानदार है। और बहुत शानदार लगा कि अगर हम 10x10 या 5x5 के फॉर्मूले पे काम करते हैं तो 100% नहीं, मैं बोलता हूँ 1000% हम आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं। तो हमारे बीच में एक और लीडर है, मिस्टर दीपक भास्कर सर, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना कीमती वर्ड्स एड ऑन करें और 2 मिनट के अंदर हमें कुछ अच्छा ज्ञान दें। थैंक यू गौरव भाई। पहले तो मैं विक्रांत सर का खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे और सरल शब्दों में और ठहराव के साथ जो प्लान प्रदर्शित करते हैं वो वाकई एक एक वर्ड्स नए हो चाहे पुराने हो, उसके अंदर पूरा माइंड के अंदर पूरा रिन्यू हो जाता है। और रही बात तो सफलता नेटवर्क के द्वारा प्राप्त करने की, जो आज मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा भरत सोनी जी की बातों पे और हिमांशु जी की बातों पे, शॉर्ट में मैं बोलूँगा कि सफलता का आसान तरीका ज्ञान को प्राप्त करें, स्किल को जमा करें और परिणाम प्राप्त करें। क्योंकि हर किसी के पास एक मौका है, किसने आपको रोका है? इसीलिए एलेक्सर ने कहा है कि बिजनेस हमेशा एक रिस्क होता है, लेकिन आर्थिक रूप से निरक्षर होना वो और भी बड़ा रिस्क है। इसलिए बेटर है कि आप जूम पे आइए, नए बंदों को लाइए और अपना एजुकेशन लीजिए। क्योंकि एलेक्सर ने एक बात और भी बोली कि लोग टेक्नोलॉजी से प्रभावित नहीं होते, कुछ और बात से प्रभावित होते हैं, लेकिन अब वो जो बात है वो अपन को टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा और अपने नस नस में बसाना पड़ेगा और वही लोगों के पास डिलीवर करना पड़ेगा। तो थैंक यू गौरव भाई। थैंक यू वेरी मच दीपक सर आपके एडवांस के लिए। और अभी हमारे बीच में है डॉक्टर सूरज सिंह, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनम्यूट करें और इस कम्युनिटी को एक अच्छा मैसेज दे। सर धन्यवाद उनको इनवाइट करने के लिए गौरव सर, और विक्रांत सर ने जो हमारे प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं बहुत धैर्यवान है, और हमारी हर जो जो भी आदमी इसके ऊपर आ रहा है तो सभी के समझ में अच्छी तरीके से आता है उनका सब। धीरे से जो है बोलते हैं वे सहजता के साथ में, तो उनके लिए भी धन्यवाद और सभी पीएलसी पार्टनर्स को नमस्कार। और नाम डॉक्टर सुराज ग्रोथ बागपत उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मैं भी इस टेक्नोलॉजी का 22.5 महीने का स्टूडेंट हूँ, डे बाई डे सीख रहा हूँ। और सर मैं भी जो है फर्स्ट में अभी 10 लोग ज्वाइन किए हैं और उन पर काम कर रहा हूँ, और जो पुराने साथी हैं उनको भी साथ लेकर के चल रहा हूँ। और सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो टेक्नोलॉजी पाया उसने बड़ा काम किया। दुनिया के जो टॉप 10 आदमी वो टेक्नोलॉजी से इंटरनेट की पावर को जिसने समझा उसने अपना बड़ा काम किया। और सर लास्ट में कहूँगा, सफल होने का एक ही तरीका है, अगर आपने किसी काम को सीख लिया
और सीख कर उस काम को करना शुरू कर दिया तो आप 100% सफल हो जाओगे। अगर आपने उस काम को नहीं सीखा और आपने उस काम को करना शुरू कर दिया तो 100% जो असफल हो जाओगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि सीख कर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और बिना सीखे हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी। हमारे बीच में है आकाश राव सर, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनम्यूट हो और उनके एडवांस हमें प्राप्त करवाए। गौरव सर मेरे को प्लीज एक बार दे दो बस, तब तक अभी किसी ओके 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 ओके। सो हमारे बीच में एक और डायमंड है मिस्टर मोहम्मद, नाम इरकान, तो मैं उन्हें अनम्यूट रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनम्यूट हो और आज शायद मैंने उनको पहली बार पैनलिस्ट में देखा है तो आज हम उनसे कुछ ज्यादा सुनने की कोशिश करेंगे, इच्छा रखेंगे। सर आर यू अवेलेबल मोहम्मद सर? आई थिंक मोहम्मद सर अवेलेबल नहीं है या कुछ तकनीकी इश्यू है, तो हम एस के रॉय सर जो कि बिहार से है तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ एक कॉल ले और कम्युनिटी को एक अच्छा मैसेज दे। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आज का प्लान तो बहुत जबरदस्त रहा ही है और हम लोग तो सर यहाँ पे जिस तरीके से अलग सर इस बार हम लोग को प्लान दिए हैं बना करके, ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट है और मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बूम होने वाला है। ठीक है, कहते हैं कि जब आंधी आता है तो उसका अंदाजा लोगों को नहीं होता है, तो वही चीज है मार्केट में। अभी लोग इसको बहुत हल्के में ले रहा है लेकिन हम लोग को पता है सर कि जैसे जैसे दिन बीतेगा सर ये अपने किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो जितनी भी कम्युनिटी है हमारी जो आज इस जूम पे अवेलेबल है उनको इतना ही हम कहना चाहेंगे कि अपना डिसीजन वो तुरंत ले, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेने में ज्यादा समय ना लगा है, क्योंकि समय यहाँ पे बीतते जा रहा है कि अपना मैक्स लोड जो है उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो आने वाला समय में ऐसा होगा कि आप जिस मैक्स लोड को लेना चाहते हैं आज जो मिल रहा है वो आने वाले समय में आपको वो चीज नहीं मिलेगा। तो अभी सही समय है और सही डिसीजन ले करके यहाँ से शुरुआत करें। और हमारा जो है यहाँ पे जूम सेशन चलता है जहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग क्लास दिया जाता है, इतना कुछ सिखाया जाता है क्रिप्टो के बारे में, ठीक है, और यहाँ से सीख करके हर व्यक्ति कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत अच्छा अपना स्टैंड ले सकता है और अपने सपने को फुलफिल कर सकता है। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि हम लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं और जितनी भी चीज अभी एलेक्स सर पाइपलाइन में रखे हुए हैं उस सब आने के बाद पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम लोग को झलक दिखाया जा रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। जैसे ही ये अगर मार्केट में एक दो प्रोडक्ट अपना लॉन्च हो गया तो फिर जो लोग निगेटिव होकर के आज बैठे हैं या जो लोग कुछ ना कुछ निगेटिव सोच करके बैठे हुए हैं उन लोगों को अपने आप पे पछतावा होगा। थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। एक मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो लोग नेगेटिव कोई नहीं होता है, नेगेटिव का एक अच्छा शब्द प्रयोग है वो लोग वेट एंड वॉच करके बैठे हैं कि जब तक हमारा स्वैपिंग स्टार्ट हो जाता है फिर हम इसके बाद में मार्केट में आएंगे। पर दोस्तों मैं इतना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा कि जब हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी बेहतर चीज का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे हाथ से बेहतरीन चीजें छूटती जाती है। तो जरा भी कतई भी देरी न करें और यू मस्ट गो ऑन। आकाश सर आप अवेलेबल हो और कंफर्टेबल हो तो आप अनम्यूट हो सकते हैं। सर नमस्कार, मेरी वॉइस ठीक है? नमस्कार, एकदम बढ़िया, बुलंद है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
ओके थैंक यू एवरीवन, मेरे को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ जूम में सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद कि सब लोग एक दूसरे के साथ चीजों को सीख सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। रेडियो सर इस बार ये बहुत अच्छा जा रहा है, हमारे साथ इस बार क्वांटिटी नहीं है और हमें उसकी जरूरत भी नहीं, लेकिन हमारे पास क्वालिटी इस बार बहुत अच्छी तरीके से इकट्ठी हो रही है और ये क्वालिटेटिव लोग ये आगे जाके जिस तरह से इसका प्रचार करने वाले लोगों को बताने वाले उससे कभी किसी को प्रॉब्लम आने वाली नहीं, क्योंकि पिछली बार लोगों ने क्वांटिटी पे फोकस किया क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा बन चुका था, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, वो प्रोडक्ट ही पिछली बार ऐसा बन चुका था कि लोगों ने ऑटोमेटिक क्वांटिटी उनके पास आती गई। अभी आज कल के सेशन में राहुल भाई बोल रहे थे कि लोग घर पे आके हमसे हमारे पैकेज खरीद रहे थे, तो ये सभी के साथ में हुआ, तो क्योंकि प्रोडक्ट ने ही उतना ज्यादा एक बिल्कुल कहते हैं इस बार जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाला है। जैसे भी अलेक्स ने बोला है कि इस बार हमारा प्राइस अभी 10,000 से स्टार्ट हुआ है और वो फर्स्ट मई तक वो 10,500 से लेके 11,000 जाने वाला है, तो वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं, जैसे आज लगभग 10,150 के आसपास चल रहा है, तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप चल रही है। इस बार एलेक्स सर के पास और हम सब लीडरों के पास अच्छा बुरा सारा एक्सपीरियंस है और जो उनके साथ हुआ है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दूसरों को सुन लिया देख लिया, उनके साथ जो हुआ है तो जिन्होंने काम किया है वो हमेशा सामने रहते हैं और हमेशा सामने आते रहेंगे, वो लोगों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग उस चीज से कई बार अपने आप को मानते भी कि हमसे गलती हो गई, गलती किसी से नहीं हुई है, गलती सामने, क्योंकि जब तक सामने वाला आपको जो पैसे देता है ना वो आपसे ज्यादा अपना लालच देखता है, वो अपना फायदा देखता है, दैट्स व्हाई कि वो आपको पैसे देता है कि चलो सर लगा दो, फिर बाद में कहानियां कुछ भी, ये कहानी सर ये हमेशा रहेगी, भले आज हमारा प्रोडक्ट कितना ही ज्यादा अच्छा क्यों ना हो गया हो लेकिन ये कहानियां यहाँ भी बनने वाली है। उस सबके पीछे कारण है एजुकेशन, जो लोग एजुकेशन लेके नहीं आएंगे या साथ काम करते करते एजुकेशन नहीं लेंगे, लोगों को नहीं सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंस नहीं सीखेंगे, तो ये प्रॉब्लम वापस से आ सकती है। यहाँ पे आज मैक्सिमम वही लोग रहते हैं जिनको सीखना है, जिनको कुछ करना है, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि पिछली बार बिना छोटी सी एजुकेशन के साथ या शायद कुछ भी एजुकेशन नहीं लिया इतना बड़ा काम लोगों की लाइफ में हुआ है, तो एजुकेशन के साथ कितना बड़ा काम हो सकता है। और आज हमारी कंपनी का सारे प्रोडक्ट लाइनअप है, एक के बाद एक प्रोडक्ट अलग से लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और जो आने वाला दुबई याद आ रहा है सर, आने वाला जो हमारा जर्मनी का बर्लिन इवेंट है, यूरोप का जो हमारा अल्टीमा कन्वेंशन है, सर हम सब जानते हैं कि यूरोप के अंदर इवेंट करना एक कितनी बड़ी हमारे लिए महाभारत है, लेकिन उस कंपनी को देखो, कंपनी का विजन देखो और कंपनी की ताकत देखो, यूरोप के अंदर सबसे बड़ा इवेंट वो करते हैं, यूरोप के अंदर सारी यूरोपियन कंट्री होती है, सारी आपका जर्मनी आपका सारी की सारी मैक्सिमम कंट्री उधर, वहां पे उनके लोग वहां पे अवेलेबल रहते हैं, और जहां पे हम अगर वीजा लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा वीजा भी कई बार अप्लाई नहीं हो पाता, और इसी यही कारण है अगर दुबई में इवेंट हो तो इंडिया से 3,000 लोगों में से 1,000 से ज्यादा लोग जाने वाले हैं, लेकिन यूरोप का इवेंट है तो हम सबको दिख जाएगा, शायद ये संख्या 100 तक भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाएगी और वहां पे यूरोप के लोग वहां पहुंचने वाले हैं। तो कंपनी अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कंपनी ने अपने आप को पहले दिन से लेके लीगली और आपका हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, क्योंकि उस चीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनको पता है, एलेक्स सर को भी पता है कि लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग कैसे काम करते हैं, थोड़ा फायदा दिखाई दिया तो उलट सुलट प्लान देना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही लोगों को लाना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में यहाँ से आउट हो जाते हैं, बाद में लोगों को ब्लेम करते हैं, कंपनी को ब्लेम करते हैं, फिर जब सब कुछ वापस से ठीक होता है फिर वापस आ जाते हैं, जो कहते हैं जैसे असर कहते हैं कि जब खुशियों का मौका आएगा तो सब लोग नाचने आएंगे, सब लोग ढोल बजाने आएंगे। तो प्लीज अगर आप लोग आज से साथ हैं, सब लोग सीख करके काम कर रहे हैं, तो हम उसके कहते हैं ना, हम उस चीज को, उस क्रांति को लाने वाले लोग बने, हम उसमें सिर्फ जुड़ने वाले नहीं, उसको सिर्फ देखने वाले नहीं बनेंगे, हम उसको लाने वाले लोग बनेंगे, और सर ये पॉसिबल होगा क्योंकि हम सब पूरा इंडिया इस समय पूरा ग्लोबली जूम पे कनेक्ट होता है, सुबह शाम हम सब कनेक्ट होते हैं, सारे टॉपिकर्स को सुनते हैं, इसमें आपको सुनते हैं, ललित सर को सुनते हैं, तरुण सर, सुमित भाई, सभी लोगों को सुनते हैं, क्योंकि उन सबके एक्सपीरियंस देखकर बहुत लोग आज आगे बढ़े हैं और उन्होंने अच्छे मौका हासिल किया है, जिन्होंने उनको एग्जैक्टली सही तरीके से सुना है, आज वे लोग वापस से कनेक्टेड है, जो सिर्फ ऊपर ऊपर सुन के गए, एक लाइफ देख के चले गए कि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया मैं भी कमा सकता हूँ और बस बिना सीखे लग गए, तो आज वो लोग बाहर निकल गए, ये ऐसा आगे भी होने वाला है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों को पहले ही छटनी या कम कर देनी है, उनको लाने से पहले एक तरह से इंटरव्यू ले सकते हैं कि आप यहाँ पे काम करने के लिए आपकी कंडीशन है,
आपको अभी जैसे मॉर्निंग का सेशन में कई बार बल्ली खान जी बोलते हैं आपको स्मार्टफोन को होना जरूरी है, अगर स्मार्टफोन नहीं होता तो कई बार लोग क्या करते हैं तेरे पैसे नहीं मेरे को दे दे मैं खुद लगा दूंगा और मैं खुद से तेरे को निकाल के देता रहूंगा और बाद में उनके साथ क्या होता है वो प्रॉब्लम हम सबको पता है। तो प्लीज ऐसी एक्टिविटी ऐसी गलतियां करने की कोशिश में ना करें वरना इसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और डेली आए, डेली टीम को लेकर के आए, जितने भी आप लोगों से बात करते हैं उनके पास कंपनी का टेलीग्राम चैनल भी दे कि टेलीग्राम वहाँ पे जो कंपनी की अपडेट्स आती है उनका ऑडियो मैसेज आता है जितने भी अपडेट सारी की सारी आती है वहाँ पे मिल जाती है हमें, उसके बाद फिर हम सब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू गौरव सर, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू आकाश सर, और बहुत ही शानदार आपने मैसेज दिया है और हैट्स ऑफ। और मैं बताना चाहूंगा कि एलेक्स सर का जो मैनेजमेंट है और एलेक्स सर का जो प्लानिंग है उसके हिसाब से देखने जाए तो जर्मनी मतलब कि बर्लिन के अंदर जहां से ऑलमोस्ट कंपनी का उद्भव स्थान है उसी जगह पर वहां इतना बड़ा सेमिनार करना, इतना बड़ा इवेंट करना वो कोई छोटी बात नहीं है। और बात करते हैं वीजा की तो आज मेरा वीजा कैंसिल हुआ है वीजा मिलना बहुत मुश्किल चीज है। और अब हमारे बीच में एक और डायमंड है मिस्टर अतुल पटेल, पाटन गुजरात से है, तो मैं हम उनसे कुछ वैल्यूएबल वर्ड्स सुनेंगे। नमस्कार गौरव भाई। नमस्कार सर, मेरी आवाज क्लियर? ओके, वीजा नहीं मिला तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मोदी सर को भी एक बार यूएस का वीजा नहीं मिला था ओके, मेरा नाम अतुल पटेल है और मैं पाटन सिटी में रहता हूँ और पिछले 20 साल से मैं प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रहा था और गौरव भाई ने मुझे कॉन्सेप्ट दिखाया और 6 महीने में मैं गौरव भाई टीम से डायमंड चला गया। ये पूरा प्लान देख के मुझे इतना पता चला कि कंपनी की जो भी प्रोडक्ट हो या कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो वो आते जाते हैं और उसी तरह से हमारी लाइफ और बिजनेस ग्रो होता है। जो हमने सीखा है हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम आते हैं वैसे बिजनेस में भी प्रॉब्लम आते हैं और उसका सॉल्यूशन एलेक्स सर कर रहे हैं। हमको थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है लेकिन जब तक मैं प्लान को समझता हूँ तो सबसे पहले बात यह है कि आप अपना कोई भी मतलब भी पैकेट ले सकते हो 110 का या 275 का या 550 का या 1100 का या 5500 का वॉट एवर, लेकिन आप उसका मिंटिंग देखोगे तो वो आपको करोड़पति नहीं बना सकता, वो बाय प्रोडक्ट है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको जो नेटवर्क का जो प्लान दिया है जिसमें 5 टाइप की इनकम है और जिसमें रैंक बोनस है जिसमें आप 200 करोड़ तक वहां पे कमा सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा अपना नेटवर्क, अपना स्ट्रक्चर, अपनी डेप्थ, अपना रिलेशनशिप, अपना ट्रांसपेरेंसी, बिजनेस को मैनेज करिए, लोगों को एजुकेशन दीजिए। आप कोई भी प्रोडक्ट कितना भी क्यों ना अच्छा हो लोग प्रोडक्ट को नहीं देखते, लोग आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं और आप कितना ग्रो करते हैं वो देखते हैं। आज करोड़ों लोग आपके रिश्तेदार, आपके टीम में, आपके क्रॉस लाइन में या आपका जो भी प्रोस्पेक्ट, आपने जो लिस्ट बनाया है अथवा आपने जो भी काम किया है पास्ट में, वो सारे लोग आपको देखते हैं, आपको वॉच कर रहे हैं कि आप किस लेवल तक जाते हैं, राइट? और क्या आप अचीव करते हैं, वो आपको देख के बिजनेस में आएंगे। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो लेकिन हम वो प्रोडक्ट अपने घर में रखेंगे उससे बिजनेस नहीं होगा, अपने आप को प्रूव करना है। और अगर आपने नेटवर्क बना लिया तो कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, चाहे कार हो या गेम पोर्टल हो या ट्रैवल पोर्टल हो, कोई भी हो, राइट? इतना एलेक्सन ने बताया, उसके बाद मान लो कि अगर 100 प्रोडक्ट भी आती है लेकिन आपके पास नेटवर्क नहीं तो आपको मतलब क्या है, आपका टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? तो मेरा ये अनुभव के हिसाब से और मैं इसी बात पे काम करता हूँ कि मेरा नेटवर्क, मेरा स्ट्रक्चर और मेरी टीम में जो लोग हैं उसका स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, 6x6x6 लेवल से होना चाहिए, तो कभी 50-30 रूल्स का उसको प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। तो नेटवर्क पे फोकस करिए, ज्यादा इनकम नेटवर्क पे है और जो इंसान ने सबसे ज्यादा नेटवर्क, सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया, पैसे उसके पीछे भागेंगे। यही मेरा आपसे करना है कि फोकस ऑन द नेटवर्क और अपने आप को प्रूव करो। बाकी तो प्रूवन सिस्टम है, एलएक्स भी प्रूवन है, कंपनी भी प्रूवन है, सिस्टम भी प्रूवन है, सारी अपलाइन भी प्रूवन है, वो सब बात यही है, लेकिन क्या आप या मैं अपने आप को प्रूव किया है? तो अभी बहुत कुछ बाकी है प्रूव करने का। जब आप अपने आप को प्रूव करोगे तो सारी दुनिया आपके पीछे चल के आएगी कि भाई मुझे साइन करो। आप जो भी बोलोगे, आप रूम में बोलोगे तो भी मैं आऊंगा, आप बोलोगे 24 घंटे में 48 घंटे काम करना है तो भी मैं करूंगा, लेकिन वो कब होगा? जब हम अपने आप को प्रूव करते हैं। तो सबसे मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि बिल्ड द नेटवर्क एंड प्रूव योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच गौरव भाई।
थैंक यू वेरी मच अतुल सर, और बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि स्वर्ग जो है, स्वर्ग में सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है, पर अगर स्वर्ग का लाभ लेना है तो मरना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपको 200 करोड़ की रैंक बोनस लेनी है तो फोकस ऑन योर नेटवर्क। बहुत ही शानदार आपका मैसेज था। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे सबसे प्यारे ललित सर है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनम्यूट हो और हमें कुछ उनके वैल्यूएबल वर्ड्स एड ऑन करें। ललित सर। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार गौरव जी। यहाँ पे बारिश हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, मैं वीडियो खोलता हूँ तो मेरी आवाज, आप लोगों की आवाज नहीं मुझे पहुंच रही है जी। मेरी आवाज क्लियर है सर? एकदम परफेक्ट एंड क्लियर। ओके सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। और आज सभी लोगों ने बहुत पावरफुल मैसेज दिया है, और अभी जो सर ने मैसेज दिया बहुत जबरदस्त दिया, और जो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर स्वर्ग में जाना है तो मरना तो पड़ेगा, तो ये बहुत सटीक बात उन्होंने कही है। और आज विक्रांत भाई ने बड़ा अच्छा प्लान दिया। साथियों, आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा वर्किंग के ऊपर, क्योंकि अभी एलेक्सर ने जो हमारा जो ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है तो ये वर्किंग के हिसाब से डिजाइन किया है। अब से पहले हम लोगों ने काम किया तो बड़ा इजी था लोगों को बताना कि इतना लगाओ इतना आएगा, लेकिन मार्केट किसके हाथ में है किसी को नहीं पता। तो आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस भी व्यक्ति को प्लान दें, सबसे पहले आप उससे क्लियर कर लें कि क्या आप हमारे सुबह शाम के जूम पे आओगे। वो कहता है बिल्कुल आऊंगा। क्या आप सीखने को तैयार हो? वो कहता है बिल्कुल। जब भी मैं आपको किसी भी सेमिनार का, किसी भी जूम का लिंक भेजूं, आपको तुरंत उसमें जुड़ना है। और जो आपका पैसा यहाँ लग रहा है, ये 11,000 रुपया, ये आप अगले 3 से 5 साल के लिए डाल के छोड़ने वाले। ये हो सकता है अगले 3 से 5 साल में ये 8 से 10 गुना हो जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए, और हो सकता है जितना यह है उससे कम हो जाए। इसके बाद अगर बंदा कहता है नहीं जी बिल्कुल मैं तैयार हूं, तो फिर आप उनको बोलो कि ये तो आपका 3 से 5 साल के लिए चला गया, अब आपको मैं यहां से ऐसा रास्ता बताता हूं जो आप हर घंटे, हर सेकेंड, हर मिनट, हर दिन पैसा बना सकते। कैसा लगेगा सामने वाले बंदे? उसको बहुत अच्छा लगेगा। अब साथियों, जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, जो मैं देख रहा हूं, वो क्या है कि मैक्सिमम लोग हमारे साथ नॉन टेक्निकल हैं। अभी आज आप देख पा रहे होंगे, आज सिस्टम की डिजाइनिंग इस तरह की है कि आप किसी भी नॉन टेक्निकल बंदे को जो आपको बोलता है सर मैं ना सीखूंगा, ना मेरे पास मोबाइल है, ना मेरे पास आपकी जूम के अंदर आने का टाइम है, मैं तो बस पैसा लगा सकता हूं, अब बदले में मुझे आप क्या दोगे बताओ, तो क्या हमें उस व्यक्ति को लेके आना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेके आना चाहिए। साथियों, दुनिया के हर काम के अंदर सिलेक्शन और रिजेक्शन दो चीज होती है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम लोग नाकामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम यहां किसी व्यक्ति को लेके आते हैं तो हम सिलेक्शन कभी नहीं करते, हम रिजेक्शन कभी नहीं करते, हम केवल और केवल कैसा भी बंदा हो उसको एनी हाउ चाहते हैं कि बस ये बंदा मेरे साथ आ जाए और मुझे यहां से बोनस आ जाए, कमीशन आ जाए, दैट्स इट। लेकिन भविष्य में उसके रिजल्ट क्या होते हैं कि जब वो लोग ना सीखते हैं, अभी आप मुझे एक चीज बताओ, आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो गौरव जी हैं, चाहे वो डॉक्टर स्वराज जी हैं, या जो हमारे बिहार के सर हैं, या जो अभी पाटन सर बोल के गए, या हमारे आकाश भाई हैं, क्या एक भी व्यक्ति ऐसा है जो बिना सीखे यहां से अचीवर बना हो? तो साथियों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर इस सिस्टम पे कामयाब हुए हो तो उसकी वजह है आपका सीखने का आपके अंदर जज्बा है। अब अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ आए, ना उसको एक्सचेंज चलाना आता है, ना उसको डैशबोर्ड खोलना आता है, ना उसके पास स्मार्टफोन है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, क्या साथियों पर डे उसकी 1% मिंटिंग आप निकाल के दोगे? असंभव है। अगर गौरव जी को 10 लोगों का ऐसा काम मिल गया कि 10 लोगों की डेली इनको मिंटिंग निकाल के देनी है, तो साथियों इनका कोई काम नहीं होगा, पूरा दिन ही उसी काम पे रहेंगे। कब मार्केट रेड है, कब मार्केट ग्रीन है, कब मार्केट येलो है, ये तो 24 घंटे वही काम करने वाले हैं। तो अभी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं, मेन मेन कुछ टास्क हैं जो हमें सबको सीखनी है, जैसे कि एक्सचेंज चलाना, कॉइन्स बिट चलाना,
डैशबोर्ड चलाना, किसी की आईडी को रजिस्टर्ड करना, उसकी केवाईसी करना, अपने बैंक को एक्सचेंज से लिंक करना, आपका पे आउट आता है आपके डैशबोर्ड के ऊपर उसको वहां से विड्रॉल करना, आपका आपका फार्मिंग आती है उसको पर डे विड्रॉल करना, अब उसको विड्रॉल करने के बाद कैसे एक्सचेंज पे जाना है, कैसे उसको वहां हमें INR में कन्वर्ट करना है, कैसे उसको अपने अकाउंट पे लेना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी सभी लीडर से रिक्वेस्ट है एक ये लिस्ट बनाएं, और ये पूरी लिस्ट बाली खान जी मॉर्निंग के सेशन में बाखूबी सबको बताते हैं, वो गौरव जी को भी पता होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा गौरव जी से, गौरव जी वो जो लिस्ट है वो प्लीज आप सबको दें, ताकि सब लोग वो मेन मेन टास्क अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को सिखाएं, क्योंकि यहाँ संभव नहीं है कि हम एक जूम सेशन के माध्यम से डेली हम लोगों को कॉइन स्पीड ये सारी चीजें सिखाएंगे तो फिर इतनी देर तक कोई यहाँ टिक नहीं पाएगा। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने 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 स्तर से अपनी पूरी टीम को सिखा सकता है, क्योंकि साथियों अब ये प्रोडक्ट इस तरीके से बन चुका है कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति जितनी बढ़िया एजुकेशन लेगा उतने बढ़िया तरीके से वो इस सिस्टम को और इस प्रोडक्ट को यूज करेगा। अब वो सिस्टम नहीं है कि साहब कोई भी आ जाए और उसी का काम यहाँ से चलने वाला है, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। जो नॉन टेक्निकल लोग आए उन्होंने अपना जो वॉलेट का जो QR कोड था वो उन्होंने जो एक फेक बोट बना था टेलीग्राम के ऊपर कुछ लोगों ने उस पर डाल दिए, जिसकी वजह से लोगों के बहुत सारे कॉइन गलत हाथों में चले गए, उन लोगों ने मार्केट को डंप करने का काम किया। आज एलेक्स सर ने पिछली सारी चीजों से सीखते हुए आज ये जो नया प्लान डिजाइन किया है कि ना तो कोई कॉइन का प्राइस गिरा सके, हर एक व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल हो मार्केट के लिए, जिसके लिए उन्होंने इंडिकेटर लगा दिया, कोई भी व्यक्ति पैनिक सेल ना करे जिसके लिए उन्होंने लिमिट लगा दी, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज की अपनी जिम्मेदारी ना समझे, ऐसा संभव ही नहीं है। तो अब ये बात हमारे ऊपर भी आ जाती है कि हम यहाँ जैसा कि आज हमने सुना था कि अब हमें यहाँ क्वालिटी पर्सन लेके आने हैं, अब क्वांटिटी पे नहीं जाना है, अब क्वालिटी पे जाना है। आज हर एक व्यक्ति यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं, अभी संख्या हम देख रहे हैं 240 लोग हैं, जबकि अभी थोड़ी देर पहले 350 लोग थे। अभी जिसकी टीम से भी ये लोग थे और यहाँ नहीं टिके, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो व्यक्ति आधा घंटा एक मीटिंग में नहीं बैठ सकता, क्या वो व्यक्ति आपके साथ 5 साल टिकेगा? मुझे नहीं लगता वो टिकेगा। आज साथियों लोग हम सबका एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन साथियों आप देखते हो मेरा, मैं सुबह से लेकर शाम तक हर एक जूम सेशन को अटेंड करने की कोशिश करता हूं, पर्सनली भी लोगों से मिलता हूं। तो ये जो इतनी जो हमारे अंदर लगन है सीखने की सिखाने की, आज ये चीज हमें यहां टिकाए हुए है, उसकी वजह से हम आपके बीच में खड़े हुए हैं। तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है साथियों कि जो व्यक्ति आपके साथ सीखने को तैयार है, जो व्यक्ति आपके साथ इस एक घंटा वेबिनार में बैठने को तैयार है, मॉर्निंग में बैठने को तैयार है, साथियों जो व्यक्ति एक घंटा आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो एक घंटा भी इस सिस्टम के प्रति सीरियस नहीं है, तो फिर क्या गारंटी है कि वो 5 साल टिकेगा, वो 5 साल आपके साथ काम करेगा? ये असंभव है। तो गौरव सर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी लोग इन ये कुछ मेन मेन जो टास्क है ये सबको आनी चाहिए, उनकी टीम के हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी फील्ड में चैलेंजेस आए कि आपने किसी की मिंटिंग कैश करा दी, कल को वो फील्ड में किसी के पास गया और उसको उस व्यक्ति ने बोला कि भाई यहाँ पे तो केवल मनी सर्कुलेशन है, आपने उनको कॉइन दिया होगा, उन्होंने आपको जेब से पैसे दे दिए होंगे। अब वो बंदा भी अनजान है तो उसको क्या लगा होगा, हाँ ये ठीक बोल रहा है। लेकिन अगर उस बंदे को एक्सचेंज चलाना आता होगा और सामने वाला बंदा उसको ये बोलेगा कि भाई ये तो आपस में ही कैश कराते हैं, तो वो क्या बोलेगा, नहीं भाई मैंने टेक्नोलॉजी के थ्रू ये देखो अपने बैंक में पैसे लिए। कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा सामने वाले के ऊपर, वो कहेगा यार मैंने पहली कंपनी देखी है जिसका पैसा बैंक में आता है। और साथियों एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हर एक व्यक्ति यहाँ टैक्स दे, अपनी इनकम का ब्यौरा दे गवर्नमेंट को, क्योंकि अब क्रिप्टो 100% लीगल है इंडिया के अंदर, आप इसके ऊपर टैक्स दे सकते हैं, उस पैसे को अपने बैंक में ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का पैसा अपने हाथ में ना लें, कोई भी नया व्यक्ति है जो आपके साथ जुड़ना चाहता है तो आप उसकी बाइनेंस के ऊपर अकाउंट बनाएं, 5 मिनट में अकाउंट वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद उसके बैंक को अकाउंट से कनेक्ट करें और वहां से उनको USDT बाय कराएं और तब उनको यहाँ पे उनका पैकेज बाय कराएं।
और ये तभी हो पाएगा जब आप ये सब जानते होंगे। जब आप ये सब जानते होंगे तो आप सामने वाले के हाथ से कराइए, उनके मोबाइल से कराइए। कैसा लगेगा उनको? उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो साथियों, ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हमें वर्क करना है, अपनी टीम को सिखाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर, आपने मुझे मौका दिया। प्लीज सर कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच ललित सर। और ललित सर ने जिस पॉइंट्स की बात की, तो आई थिंक मेरे चैट के अंदर ये पॉइंट्स का जो यूट्यूब वीडियो है वो मैंने डाला है, आप उस लिंक को कॉपी कर सकते हो। और आपके पर्सनल ग्रुप्स के अंदर भी आई थिंक मैंने एवरीवन किया है, अगर एवरीवन के पास नहीं गया, पैनलिस्ट के पास है, तो पैनलिस्ट से निवेदन है कि इस लिंक को कॉपी करें और सबको भेज, सबको ये लिंक भेजे। ललित सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे पर्सनली भी ये लिंक भेजी है, तो आई होप कि आप आगे और टीम के अंदर और ग्रुप्स के अंदर उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के आज काफी सारे लीडर से कॉल हुए और विक्रांत सर ने बहुत ही शानदार तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन दिया। इन सभी चीज का, सभी कॉल, सभी लीडर्स के कॉल का एक ही निचोड़ आता है कि क्या हम हमारे बिजनेस को प्रायोरिटी में लेते हैं या नहीं लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे कि होता है, जब होगा तब वो कर देंगे। कोई सामने से फोन करेगा, हम फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे कि घर बैठे 1,000 से 1,00,000 रुपया प्रति माह कमा सकते हैं, और किसी का मैसेज आएगा तो हम उसको जवाब देंगे। तो ये प्रायोरिटी नहीं है आपकी बिजनेस के प्रति। अगर आपको सक्सेस जाना है तो आपको आपका बिजनेस के लिए प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आई थिंक अभी इस जूम वेबिनार के अंदर 240 लोग अवेलेबल है और उसमें से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने विमान यात्रा की होगी। जब हम विमान यात्रा करते हैं और विमान जब उड़ान भरने की तैयारी पे होता है, उससे पहले हमें एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, जिसके अंदर हमें जो विमान के प्रतिचालक होते हैं वो हमें एक डिस्क्लेमर में समझाते हैं कि जब कोई आपत्तिजनक परिस्थिति आए और ऑक्सीजन की कमी लगे, और वो ऑक्सीजन का मास्क जब आपके सामने खुलता है, तो प्रायोरिटी ये चीज है, सबसे पहले अपना मास्क लगाए, बाद में दूसरों को हेल्प करें। तो प्रायोरिटी ये होती है, अगर आप बचोगे तो लोगों को बचा पाओगे। तो बिजनेस में भी सेम ये है, अगर आप आपके बिजनेस को प्रायोरिटी दोगे, आप आपके बिजनेस को टाइम दोगे, एजुकेशन लोगे, तो ही आप लोगों को एजुकेट भी कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज हम इस जूम वेबिनार का यहाँ पे पूर्ण घोषित करते हैं। कल शाम को फिर मिलेंगे 8 बजे, तब तक के लिए गुड बाय। द प्लेटिन वर्ल्ड, द टाइम इज ऑलवेज सुपर डुपर नाउ।